हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBACIO के कट ऑफ के बारे में और उसके टीयर टू की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इन सारी बात के बारे में हम बात करेंगे। हम वीडियो में जानेंगे कि कितने मार्क्स तक अगर आपके अगर टीयर वन में आ रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपको टीयर टू की तैयारी कैसे करनी है और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं टीयर टू के। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या हमारे हैं और हमें किनको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी हम पूरी बात डिटेल में करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, अगर आप अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग्लिश का नया कोर्स शुरू हो रहा है 1 मार्च यानी परसों से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रैश कोर्स इंग्लिश ग्रामर का शुरू हो रहा है SSC CHSL 2020 के लिए। तो अगर आप CHSL 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन दोनों कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट सिर्फ आज, यानी जब आप आज ये वीडियो देख रहे हैं 28 फरवरी को, तभी मिलेगा। 1 मार्च से ही सिर्फ 5% रह जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे 8299117042 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप आज की तारीख में लेंगे तो आपको 5850 का मिल जाएगा। उसके बाद आप सारे टीचर, सभी कोर्सेज, सब कुछ देख सकते हैं अनअकैडमी पे। बातचीत शुरू करते हैं अपने टीयर टू के बारे में कि कैसे हमें तैयारी करनी और क्या कट ऑफ रह सकती है। तो पहले बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। सबसे पहले तो बिफोर हम कट ऑफ की एनालिसिस करें, हम ये जान लेते कि कितने एग्जाम नंबर का पेपर आया था। आपको पता है 100 मार्क का पेपर आया था। रीजनिंग हमारी 20 नंबर की थी, इंग्लिश 20 नंबर की थी, जीए जो है हमारी 20 नंबर की थी, जीएस 20 नंबर की मार्क्स की थी और क्वांट आपकी 20 मार्क्स की थी। डिफिकल्टी लेवल अगर हम बात करेंगे, 3 दिन आपका एग्जाम चला है, 3 दिन में मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल सेम था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था डिफिकल्टी लेवल में। ये कहा जा सकता है कि जो बाद में शिफ्ट हुई थी उनकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा ही थी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी इस पर अभी अगले स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन अभी जो आपकी मैं बात करूं कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जैसे कि CGL में हुआ, जिसकी वजह से सारा बवाल हो रहा है। यानी कि डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस सेम थी ज़्यादातर शिफ्ट्स की। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई असहमति है तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। अब बात करें कट ऑफ की, क्या होगा, मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है। तो बिफोर मैं प्रेडिक्शन करूं, उसके पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप जो है, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ और सही हो सकता हूँ, बिल्कुल सही भी हो सकता हूँ। तो जो भी मेरा ये एनालिसिस है, ये आप लोगों से बात करके ही बना है, आप लोगों के कॉमेंट्स देख कर बना है, आप लोगों से जितने भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं उसके आधार पर ही मैंने अपना ये अजम्पशन बनाया है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये मैं बता रहा हूँ। और हाँ, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो मैं रॉ स्कोर की कट ऑफ बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपके ACIO में, AIB में CGL जैसा कुछ उलट फेर होगा आपके मार्क्स में, जैसे कि CGL में किसी के 40 नंबर किसी के 50 नंबर बढ़ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन से यहाँ पर किसी के 40-50 बढ़ेंगे। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स अगर किसी के बढ़ेंगे तो मुझे लगता है 10-15 नंबर मैक्सिमम बढ़ेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स किसी के बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा टेक है। अब कट ऑफ की बात करें कि कितनी कट ऑफ रहेगी, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि UR की कट ऑफ जो है वो 55-60 के बीच में रहेगी, प्लस माइनस 5 मैं कर रहा हूँ। 55-60 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, टीयर टू के लिए। अगर आपके 55-60 मार्क्स हैं, दैट इज़ अ फेयर गुड इनफ मार्क्स, मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक मार्क्स हैं। इसमें आपको और कुछ इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तब तो अच्छी बात है ही, 55-60 भी हैं तो आपका तैयारी करनी चाहिए आपको। इसके अलावा OBC वाले बच्चे जो हैं वो मेरे हिसाब से 45-50 नंबर अगर आपके हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। सेम मैंने EWS का रखा है, क्योंकि हालांकि EWS की कई बार कट ऑफ OBC से कम जा रही है और कई बार तो SC ST से भी कम जा रही है, बट अब इसके बारे में कुछ बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है EWS, तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। और इसी तरीके से SC और ST की कट ऑफ मैंने ऑलमोस्ट सेम रखी है, 30-40 मार्क्स के आसपास मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग जाएगी। हो सकता है ये कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाए, इससे कम मुझे नहीं लगता है जा पाएगी, इससे ज़्यादा ही जा सकती है, 55-60 से ज़्यादा, बट नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स वेरी कर जाएंगे। इसीलिए मैंने ये 55-60 रखा है, जिससे कि आपका अगर रॉ स्कोर इस एरिया में लाए कर रहा है तो आप मेरे हिसाब से फाइट में हैं, आप कंपटीशन में हैं। तो अगर 55-60 मार्क्स आ रहे हैं देन यू शुड गो फॉर टीयर टू, ये मेरा ओपिनियन है। रिजल्ट
जल्द ही आप लोग को पता चल जाएगा। रिजल्ट का भी कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं होता है, आपके आंसर कीज का भी जो लिंक है वो आप लोगों को मेल्स पे मिला है। कई बच्चे का कह रहे हैं कि अभी उनको नहीं दिख रही है जो मैंने मेथड बताया था उससे, तो अपनी मेल आईडी चेक करो, और मेल जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर जहाँ तक आपको एक मैसेज आया, एक मेल आया होगा जिसमें लिंक दिया गया होगा। इसी तरीके से आपको टीयर टू के लिए भी कॉल लेटर आएगा, तो कोई भी पब्लिक नहीं की जाएगी इन्फॉर्मेशन, आपको आपको मेल्स पे ही वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आपके अगर 55 से 60 मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी के अगर आप आते हैं तो फिर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उतना इनफ है, इतने में आपकी तैयारी आपका टीयर टू में हो जाना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत हूँ, फिर से मैं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं सही होऊंगा, 55 से 60 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे आगे की हमें अब क्या करना है, तो देखो एक चीज़ तो ये भी जान लेंगे कि ये भी है, मैं कहूँगा कि अगर आपका स्कोर मेरे कट ऑफ वाले प्रेडिक्शन में नहीं आता है बट आपको लगता है कि नहीं आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं अगर आपको लगता है कि आपके कट ऑफ के में नहीं आ रहा है, आपका आप कट ऑफ मेरे मैंने जो बताया 55-60 में आपको नहीं आ रहा है बट आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा, तो तैयारी जारी रखिए, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टीयर टू की तैयारी करते रहना चाहिए, वो नुकसान नहीं करेगा, अगर आगे वो CGL CHSL में काम आएगा, CGL में काम आएगा, कहीं ना कहीं वो तैयारी काम आएगी, तो नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम निकालेंगे तो आप तैयारी करिए। इसके अलावा आपसे टीयर टू की बात करें तो जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि बच्चे कितने लिए जाएंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन टीयर वन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर टू एग्जाम एट 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो ये एक चांस है जिसकी वजह से कट ऑफ 60 से ज़्यादा जा सकती है अगर बहुत कम कैंडिडेट्स लिए गए, जैसे कि वैकेंसीज आपकी हैं टोटल, वैकेंसीज जो हैं टोटल आपकी वो हैं 2000 वैकेंसीज, 2000 वैकेंसीज हैं, और अगर इस हिसाब से माने तो 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे तो फिर कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, क्योंकि 20,000 बच्चे हो सकता है कम नंबर में ही सिमट जाएं। ठीक है, बट अगेन माई वे मेरा कहना है कि 60 से प्लस माइनस 5 कट ऑफ रहेगी, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप तैयारी करिए, 20,000 बच्चे टीयर टू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद में आपका टीयर टू के बाद में टीयर टू में स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है आपकी, तो देखिए 50 मार्क्स का पेपर आपका होगा टीयर टू का, 10 नंबर की प्रेसी राइटिंग आएगी, 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, और 30 नंबर का एसे आएगा। तो एसे का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, एसे का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्रेसी राइटिंग का वेटेज है 10 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज है 10 मार्क्स का, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने एसे में रखना है, एसे से ही सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे और एसे से ही सारी चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी। इसका मतलब आपको एसे को बहुत अच्छे से तैयार करना है। 400 मार्क्स का एसे आता है, कैसे आता है, क्या आता है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को बस देखते रहिए। टोटल मार्क्स आपके 50 मार्क्स का ये टीयर टू एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप टीयर टू दे लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका टीयर थ्री होगा। जब आप टीयर टू दे लेंगे तो आपके टीयर वन और टीयर टू के स्कोर को मिला के एक कम्बाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें 5 times यानी 2000 वैकेंसीज हैं आपकी 2000 वैकेंसीज हैं, तो आपके 10,000 बच्चे बुलाए जाएंगे टीयर थ्री यानी कि इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जिसमें से आपको एटलीस्ट हर कैंडिडेट को 33% मार्क्स होने चाहिए, 17 out of 50 में 33% तो होने ही चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के, मान लो पहली वाली जो है उसमें 100 में 100 नंबर हैं, अब दूसरे वाले में उसके 16 नंबर आते हैं और मान लीजिए टीयर थ्री कट ऑफ से 16 है, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। आपको 33% तो लाने ही लाने, 17 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं टीयर थ्री में, बट वो उसे ज़्यादा ही जरूरत पड़ेंगे क्योंकि मेरिट लिस्ट बनेगी टीयर वन प्लस टीयर टू को मिला के। और जब आप टीयर थ्री कि को टीयर थ्री के मार्क्स आ जाएंगे, टीयर थ्री में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जब वो इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन में टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री तीनों के मार्क्स मिलाए जाएंगे, और उसके बाद में आपके कैरेक्टर एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट वगैरह को देख के मेडिकल एग्जामिनेशन होकर फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि कुल मिला के आपके टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री तीनों के मार्क्स मैटर करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको तीनों में ही इक्वल एफर्ट और अच्छा एफर्ट डालना है। ठीक है, तो टीयर वन में आप एफर्ट डाल चुके हैं, आप टीयर टू की तैयारी आप कर रहे हैं, और जल्दी ही टीयर टू की भी डेट्स आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा समय वो नहीं लेंगे। जैसे कि जैसे उन्होंने टीयर वन के लिए सरप्राइज किया, अचानक से फरवरी में डेट्स दे दी, ऐसे ही वो टीयर टू के लिए भी सरप्राइज करेंगे। तो आप ये भूल में मत रहिएगा कि बहुत दिन लगेंगे, सीजीएल की तरह 3 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम लेंगे, मुझे नहीं लगता है वो 6 महीने 4 महीने का टाइम लेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है वो 15-20 दिन में टीयर टू के लिए भी डेट दे देंगे,
और आपको टीयर टू की तैयारी अभी से अच्छे से करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, आगे के वीडियो में हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। अब देखिए बात करें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीयर टू, टीयर टू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो पहले ये जानो कि टीयर टू में आएगा क्या, ऐसे आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा और प्रेसी राइटिंग आएगा, ये तीन चीज़ें आएंगी। मैंने आपको पहले ही बताया ऐसे 30 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का और प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स की आएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सीजीएल में टीयर थ्री में आपको एक बॉक्स वाली कॉपी दी जाती है जिसमें आपको इस तरीके से बॉक्स में लिखना पड़ता है, राइट। तो आईबी 2017 का जो पेपर हुआ था, आई एम नॉट श्योर 2021 में वो कैसा देंगे, बट 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें बॉक्स वाली कॉपी नहीं थी, एक प्लेन शीट कॉपी थी जिसमें आपको 400 वर्ड्स ऐसे के लिखने थे। तो बॉक्स वाली कॉपी यहाँ पर नहीं मिलती है जनरली। अब आपके साथ में क्या होगा इसके प्रिडिक्शन में फ्यूचर नहीं बता सकता, पास्ट में जो हुआ था मैं वो बता रहा हूँ और उसी ट्रेंड पे आगे भी चीज़ें होती हैं जनरली। हाँ, इसके अलावा कॉपी जो है वो लिमिटेड पेजेस होते हैं, 400 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो आपको संभल के उतने में ही लिखना है। कोई बी कॉपी का सिस्टम नहीं होगा कि एक एक्स्ट्रा कॉपी आपको मिल जाए, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी, जितनी कॉपी मिल रही है उतने में ही आपको लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ये जो है क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन रहेगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर मैं ये पेपर आपको डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन भी दिया गया है तो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिएगा किस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन आया था। इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छा कॉम्प्रिहेंशन था। इसके बाद में यहाँ पर प्रेसी दी गई है 10 मार्क्स की, तो ये आपकी प्रेसी लिखनी थी, तो ये भी ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करें कि आपको ऐसे के टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे के टॉपिक्स क्या क्या पूछे गए थे पहले इस पर जान लेते हैं। तो ऐसे के टॉपिक्स जो पूछा गया था वो पूछा गया था सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। काफ़ी अच्छा टॉपिक था और जो कि आज भी मेरे हिसाब से बिल्कुल ही कॉन्टेम्प्रेरी है, बिल्कुल ही रेलेवेंट है, आज भी आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था ये। इसके अलावा दूसरा टॉपिक था डू यू अग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था, मतलब अच्छा कहने का मतलब ये है कि जनरली हमारे इस लेवल पे इस तरीके के टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर पूछा जा रहा है तो इट्स अ गुड टॉपिक और इसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये 2017 के पेपर की मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो मैंने पेपर आपको दिखाया है। तीसरा टॉपिक था हमारा देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये भी अच्छा सवाल था कि ऑनर किलिंग के बारे में आपको डिस्कस करना था इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये तीन ऐसे के टॉपिक्स पूछे गए थे जिनको 2017 में पूछा गया था। लेकिन मेरा सजेशन आपसे ये होगा कि सबसे पहले जब आप तैयारी करना शुरू करें टीयर थ्री टीयर टू की, तो सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे लिखिए, इन पे रिसर्च करिए और लिखिए, क्योंकि जब आप इन पे लिखेंगे तब आप बाकी के टॉपिक्स पे भी लिख पाएंगे। पहले इनको लिखने की प्रैक्टिस करो, दीज आर वेरी गुड टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे लेवल के टॉपिक हैं, तो अच्छे से इनको लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब बात करें कि हमें पढ़ना कैसे है और कैसे तैयारी करनी है, किस किताबों का सहारा लेना है। तो देखिए ऐसे की तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एस्से को लिखने के लिए वो ये है कि आप रीड करिए, मैक्सिमम रीड करिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 400 वर्ड लिखने हैं तो कम से कम आप 1,500, 2,000, 3,000 शब्दों को पढ़ें, तब 400 वर्ड्स लिखें। ठीक है, तो रीड करिए एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव है उतना ज़्यादा रीड करिए। और जब आप कोई किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने जा रहे हैं तो उस पर थॉरो स्टडी होनी चाहिए, कम से कम 1.5-2 घंटे की कड़ी मेहनत होनी चाहिए और उसके बाद उसको लिखना कि आप स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बात, टॉपिक जो है वो इंग्लिश में ही आ रहा है, आप टीयर टू जो है सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो यू विल हैव टू बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, यू विल हैव टू बी, देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, हम टीयर थ्री की तरह, सीजीएल टीयर थ्री की तरह हिंदी में नहीं लिख सकते, हमारे पास मजबूरी है, हमें अंग्रेजी में ही लिखना है, तो अच्छे से उसको पढ़िए और फिर लिखने की तैयारी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब बात करें कि हमें पढ़ना कहाँ है, तो कहाँ पढ़ने के लिए देखिए जो सवाल है वो है, जवाब है वो है इंटरनेट। ठीक, कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे टेररिज्म पे पढ़ना है,
तो मैं लिखता हूँ कि मान लीजिए सोशल यूज ऑफ सोशल मीडिया, अब यूज ऑफ सोशल मीडिया लिखता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड ओके, यूज ऑफ सोशल मीडिया। अब मैंने जब यूज ऑफ सोशल मीडिया लिखा तो यहाँ पर देखिए न्यूज का एक ऑप्शन आता है, आप न्यूज वाले ऑप्शन पे जाइए, आपको यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे जिसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज वगैरह हैं, जैसे गवर्नमेंट अनवील्स न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, तमाम तरीके के लिंक्स मिलेंगे आपको। इन लिंक्स को आप ओपन करिए, इस पर पढ़ाई करिए, इन पर पढ़िए, रिसर्च करिए, जो भी पॉइंट्स हैं उनको बनाइए, लिखिए और उसके बाद अपने टॉपिक पर लिखना शुरू करिए, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे कि बुक्स को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर आपकी किताबें ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। किताबों में जो कॉन्टेंट होगा वो एक फिक्स्ड किसी ऑथर ने लिख दिया होगा। अब यहाँ पर इंटरनेट पे जो कंटेंट है वो बिल्कुल डेली अपडेट हो रहा है, बिल्कुल अपडेटेड फ्रेश कंटेंट है, तो इसलिए इंटरनेट से पढ़ो और फिर खुद लिखो, ठीक। अब देखिए बात करें कि आपको फिर क्या करना है, फिर पेन पेपर उठाइए और अपने थॉट्स को लिखना शुरू करिए। मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा ACIO टीयर 2 के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ACIO के लिए मैं ग्रुप अलग से बना दूंगा जिसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप अपने एसेज को लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और बाकी के जो फेलो होंगे, मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरी रीच ज़्यादा नहीं है, मैं कहता हूँ 10 लोग भी मेरे इस वीडियो को देखकर ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप 10 लोग भी हैं तो बहुत सीरियस कैंडिडेट रहिए, भीड़ का हमें वैसे भी कुछ नहीं करना। आप 10 लोग उस चैनल पर रहिए, उस ग्रुप में रहिए और 10 लोग एक टॉपिक डिसाइड करिए और उस टॉपिक पे ऐसे लिखिए, आपस में 10 लोग उसको पढ़िए, डिस्कस करिए, अपने इनपुट्स वहाँ पर दीजिए। आपको लगता है कि ये चीज़ फलाने ने गलत लिखी है तो आप उसको बताइए कि बेटा आप ये सही कर सकते हो, आप उसको खुद भी अडेप्ट कर सकते हो कि आप क्या बेहतर कर सकते हो। तो मिलकर अगर आप ग्रुप स्टडी करोगे टीयर 3 टीयर 2 के लिए तो बहुत अच्छा होगा और यही एक बेहतरीन तरीका है टीयर 2 की तैयारी के लिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ACIO का ग्रुप मैं बना दूंगा टीयर 2 के लिए और उसमें आप लोग एसेज डेली पोस्ट करिए और अपने एसेज को लिखिए। मैं आपकी उसमें बहुत मदद नहीं कर पाऊंगा लेकिन जितना संभव होगा मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है और इस तरीके से आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। कोई बैच कोई क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे विल नॉट हेल्प यू मच। इसके अलावा आपको देखिए क्या करना है, अगर हम बात करें कि कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। रेनन मार्टिन किताब में आपके कॉम्प्रिहेंशन दिए गए हैं तो आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, जो आप रीड करेंगे दैट विल हेल्प यू इन कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। ऑल्सो वेन यू विल राइट एसेज तो आप उसे कोशिश करिए प्रेसी राइटिंग के लिए भी। प्रेसी राइटिंग पे मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, सेपरेट वीडियो, कि कैसे आपको प्रेसी राइटिंग करनी होती है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर इट, तो उसके लिए आप इंतजार करिएगा। इसके अलावा सेम मेथड एज वी डिड इन एसे विल हेल्प यू हियर टू, यानी कि आप उस जो मेथड आप एसे के लिए अपना रहे हैं रीड करना और उसके बाद लिखना, वही चीज़ यहाँ भी मदद करेगी। आपने खुद क्वेश्चन पेपर देखा है, आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में जो प्रेसी आया था वो काफ़ी अच्छा खासा आया था। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा और रेनन मार्टिन की मदद आप यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर किताब है। नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इतना कोई खास हेल्प नहीं करने वाली। इंटरनेट पे सर्च करोगे हाउ टू राइट अ प्रेसी, आपको अच्छे वीडियोज़ अच्छे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं एंड में, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको तैयार करने चाहिए। तो मैं कुछ 40 टॉपिक की सीरीज़ यहाँ पर लाया हूँ, 40 टॉपिक्स हैं। आप 40 के 40 टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा कहीं, ये PDF क्लास की मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके और उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे हिसाब से हैं इंपॉर्टेंट, तो पहला टॉपिक जो मैंने सजेस्ट किया है वो है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत पे सरकार का अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा जोर रहा है इसलिए मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस डील्स इट्स चैलेंजेस एंड इम्पॉर्टेंस, जैसे कि आपको पता है राफेल डील हुई थी, राफेल डील बहुत इंपॉर्टेंट थी भारत के लिए, लेकिन उसके बाद कितने विवाद हुए, उसमें कितनी सारी चीज़ें हुई, तो वो सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इसमें आप एक और टॉपिक लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन भी अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि डिफेंस डील्स में प्राइवेट सेक्टर का आना कितना लाभकारी है, कितना चैलेंजिंग है, ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी अब प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो आ रही हैं और वो उसमें वेपन्स को निर्माण में पार्ट लेने वाली हैं, तो उसका क्या रोल रहेगा उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िएगा, साइबर सिक्योरिटी पे सवाल आ सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया वाला सवाल आया।
हाउ टू कर्व फेक न्यूज़। आपको पता है फेक न्यूज़ बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, तो फेक न्यूज़ को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, इस पे सवाल बन सकता है। सोशल मीडिया का यूज़ आप लोगों ने देखा ही है, उस पे सवाल आया हुआ है, तो वो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने देखा CGL टीयर 3 में ऑलरेडी पूछा गया है, अभी 14 तारीख को जो हुआ था, तो उसके लिए CHSL टीयर 2 में, तो आप इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़िएगा। रेगुलेशंस फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, आपको पता है हाल ही में भारत सरकार ने नियमों को बनाया है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, ओवर द टॉप कंटेंट जो होता है उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, नए तरीके से जो कंटेंट पड़ेगा नेटफ्लिक्स या फेसबुक अमेजॉन प्राइम पे, तो वो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उस पर आप सवाल बन सकता है, उनको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो इन्फ्लुएंस ऑफ वेब सीरीज इन सिनेमा ओवर सोसाइटी। आपको पता है हाल ही में जैसे तांडव वेब सीरीज आई तो काफ़ी विवाद हुआ, या तमाम वेब मूवीज आती हैं आज की तारीख में काफ़ी उन पर विवाद होता रहता है, तो उस पर जो विवाद है उससे रिलेटेड सवाल बन सकता है कि वेब सीरीज और सिनेमा का भारतीय सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पैंडेमिक का भारतीय सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। पैंडेमिक का इकोनॉमी पे क्या सवाल पड़ा, ये पूछा जा सकता है। पैंडेमिक या फिर लॉकडाउन का प्रभाव पूछा जा सकता है, इकोनॉमी पे क्या फ़र्क रहा, पैंडेमिक का सोसाइटी पे क्या फ़र्क रहा, लोअर मिडिल क्लास को कैसे प्रभावित किया इसने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे प्रभावित किया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी सारी जॉब्स गई, लोग अनएम्प्लॉयड हुए, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे महिलाओं की जॉब सबसे ज़्यादा गई जब ये लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़्यादा जो जॉब्स गई वो वुमेन की गई, पुरुषों की उतनी जॉब्स नहीं गई, तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग लॉकडाउन। वैक्सीनेशन एंड इट्स चैलेंजेस, आपको पता है कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो इसको कैसे करना है, इसके जो चैलेंजेस हैं, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाउ डू यू सी द यूज ऑफ बायो वेपन्स इन द वॉर, कि अगर भविष्य में कभी वो कोई वॉर होता है तो उसमें बायो वेपन्स का कितना इस्तेमाल रहेगा, कितना रोल रहेगा, इस पे सवाल बन सकता है। इसी तरीके से मेरा ही दिमाग में था कि एक सवाल ये बन सकता है कि जैसे अगर भविष्य में कभी वॉर होता है तो इंटरनेट का कितना ज़्यादा रोल रहेगा, इस पे भी सवाल बन सकता है। आप ये नोट कर लेना, मैंने नहीं लिखा है स्लाइड में। इसके अलावा आपका टॉपिक है रोल ऑफ इंटरनेट इन अ सिक्योरिटी क्राइसिस, इंटरनेट का कितना रोल रहता है सिक्योरिटी क्राइसिस में, ये सवाल पूछा जा सकता है। आपको पता है भारत ने हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट शटडाउंस किए हैं, तो उस पर भी सवाल बन सकता है कि इज़ इंटरनेट अ थ्रेट टू सिक्योरिटी, क्या इंटरनेट भारतीय हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्या इंटरनेट शटडाउन इज़ अ नेसेसरी स्टेप फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट शटडाउन एक बहुत ही ज़रूरी कदम है, या ये इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी इशू ऑन इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक, आप सभी को पता है प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी मसले चल रहे हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे, तो वो सवाल बन सकता है। साइबर क्राइम और साइबर फंड्स, फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और आपका क्रिप्टो करेंसी पे सवाल बन सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल है, कितना ये वैलिड है, कितना ज़्यादा इन पर हम भरोसा कर सकते हैं, भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए क्या करे, और भारत सरकार ने अब रेगुलेट करने के बजाय खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लाने वाली है, तो उस पर क्या रोल रहेगा, ये सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा कम्युनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडिया में हाल ही में कम्युनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अलग अलग तरीके के इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो इस पर भी सवाल आ सकता है। और देखिए IB का एग्ज़ाम है, तो ये नहीं हम ज़्यादा कह पाएंगे कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो इस पर सवाल नहीं बनेगा, बनने को बन सकता है, IB का एग्ज़ाम है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मैल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन कितनी बड़ी समस्या है, इस पे सवाल बन सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक ओवर पाकिस्तान, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पाकिस्तान, अभी हाल ही में पाकिस्तान से वार्ता चल रही है, इस पे सवाल बन सकता है। इस मेकिंग ऑफ कश्मीर अ UT अ गुड स्टेप, क्या भारत कश्मीर को UT बनाना और लेह लद्दाख को अलग राज्य बनाना एक अच्छा कदम था, इससे सवाल बन सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा आपसे सिटीजनशिप इशू, तो सिटीजनशिप इशू आपको पता है NRC CAA, इस पर सवाल बन सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है बॉर्डरिंग स्टेट्स में, असम वगैरह में जो सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से CAA और NRC आ रहा था, वो सवाल बन सकता है कि इलीगल माइग्रेंट की जो प्रॉब्लम है भारत में उसको कैसे टैकल करना चाहिए। ट्रिपल तलाक के इशू पर सवाल बन सकता है। मैटर्निटी और पैटर्निटी लीव पर सवाल बन सकता है कि मैटर्निटी लीव दी जाती है, पैटर्निटी लीव को भी क्या हमें बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा कि ये दाऊदी बोरा कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, जिसमें इस तरीके के म्यूटिलेशंस होते हैं, फीमेल्स के वजाइना में अलग डिफॉर्मेशन किए जाते हैं, डिसफिगरमेंट किए जाते हैं, तो इस पे सवाल बन सकता है वुमेन इशू पे, ठीक है।
कास्ट रिजर्वेशन एक मसला हो सकता है जिसपे सवाल बन सकता है। आप इन सारी चीजों को पढ़िएगा जरूर, एटलीस्ट देखिए, अगर ये नहीं तो इनसे मिलते जुलते टॉपिक्स आ सकते हैं। तो अगर आपने इतने सारी चीजें पढ़ी होंगी ना तो आपके पास पॉइंट्स होंगे बहुत सारे लिखने के लिए। अब मान लो इनमें से कोई नहीं आया लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ भी आ गया ना तो आपके पास वो पॉइंट्स होंगे जिनको वहां पर आप ऐड करके अपने हिसाब से लिख पाओगे, इसलिए मैं ये सारे टॉपिक्स दे रहा हूँ। फार्मर्स प्रोटेस्ट पे पूछा जा सकता है कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, कितना सही है, कितना गलत है, इस पर सवाल हो सकता है। फार्म लॉस पे सवाल आ सकता है, फार्म लॉस पे आईबी के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें भी सवाल आया है, इसलिए फार्म लॉस पे क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, हाउ डू यू सी दिस? अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो इस पे सवाल बन सकता है कि क्या भारत सरकार को बिजनेस में नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ अपोजिशन इन पॉलिटिक्स, की पॉलिटिक्स का में अपोजिशन का विपक्ष की क्या भूमिका है। मीडिया का क्या रोल है करंट सिनेरियो में, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे टेररिज्म पे सवाल आ सकता है, टेररिज्म पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन, तो इस पे आप स्टडी जरूर करिएगा। कोविड डिप्लोमेसी, भारत सरकार ने जैसे ही वैक्सीन बनी तो उसके बाद काफ़ी देशों को फ्री वैक्सीन दी है भारत सरकार ने, तो इस पे सवाल बन सकता है कि ये डिप्लोमेसी को आप किस तरीके से देखते हैं। इंडियाज़ रोल इन फाइटिंग द पैंडेमिक, भारत का पैंडेमिक से लड़ने में क्या रोल रहा है, किस तरीके से भारत ने लड़ा है, क्या नीतियाँ रही हैं, क्या अच्छा रहा है, क्या बुरा रहा है, इस पे सवाल बन सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट पे सवाल बन सकता है कि किस तरीके से आगे वुमेन एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए और किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 40 टॉपिक्स की सीरीज मैंने सोची थी, जो मैंने बनाई बैठ के, जिसमें आपको मैंने ये सारे टॉपिक्स बताए हैं और इन पर आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि इन पे इनसे मिलता जुलता कहीं ना कहीं कुछ मिल सकता है। तो ये 40 टॉपिक्स हैं, इनफ हैं आई थिंक, आपको पहले इतने ही लिख लो, काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इसके अलावा इसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज जोड़ सकते हैं जो कि मैंने नहीं जोड़ा, मैंने एक्चुअली आईबी का पेपर है तो मैंने उससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा जोड़ी हैं। एनवायरनमेंट का इशू हो सकता है, लाइक पानी का इशू आया था तो एनवायरनमेंट का इशू बिल्कुल आ सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है और मार्स पे जाने वाली बात है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, यूके में उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में जो एक नेचुरल कैलेमिटी हुई है उसके रीजंस क्या हैं, ये सारे सवाल बन सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में हैं, आगे भी जो जो चीज़ें आएंगी वो टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा रहेगा उसमें आप लोग को मैं बताता रहूँगा। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से पेपर डाउनलोड कर लेना जो मैंने दिखाया है, उसकी फ़ोटोज़ आपको वहाँ पर भेज दूंगा, इस क्लास की पीडीएफ भी मैं वहाँ पे दे दूंगा क्योंकि 40 लेसन्स की 40 भी इनकी सीरीज आई थिंक आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितना पढ़ाया है, जितना बताया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई है अगर कोई रीज़न है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या कमी रही है वीडियो में। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझसे बात कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा आपको @AmanTrivedi, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो, मेरा हैंडल, मेरा टेलीग्राम चैनल, सॉरी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ जितनी बात बताई है समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।